नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खेल ग्रहों का। आज मैं आपको इस वर्ष घटित होने वाले एक महापर्व के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें जाने का पुण्य हर व्यक्ति कमाना चाहता है। हर व्यक्ति 12 वर्ष तक इंतजार करता है कि कब वो महाकुंभ का पर्व आए और मैं उसमें जाकर के पवित्र नदी में डुबकी लगाऊं, अपने मोक्ष का भागी बनूं, पुण्य कमाऊं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि देवभूमि भारत, जिसकी मिट्टी का तिलक किया जाता है, जहां नदियों को नमन किया जाता है, जहां ओंकार की गूंज, मंदिरों की संग ध्वनि, हवन का धुआं ही नहीं बल्कि रिमझिम सावन में मेहंदी के बूटे, नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना, तो कमी अमावस में काली रात में माटी के दियों की झिलमिलाती रोशनी से हम अपना पर्व मनाते हैं, जहाँ 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है, जहाँ आकर श्रद्धालु अपनी समस्त समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं, अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह पर्व प्रतीक है हमारी धार्मिक एकता का, हमारी प्राचीन संस्कृति का, हमारी परंपरा का। यह महोत्सव जो युगों युगों से इस भारत भूमि पर मनाया जाता है, इसका उद्देश्य यही है कि जीवन का शाश्वत धर्म है जिसका हमें किसी भी कीमत पर निर्वाह करना है। अध्यात्म की इस धरती पर त्योहारों के अनेक रंग हैं, लेकिन महापर्व कुंभ का अपना अलग महत्व है, अलग महत्व है। सौभाग्यवश अर्धकुंभ इस वर्ष संगम नदी के पवित्र तट पर, पवित्र स्थल पर, प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ अर्धकुंभ का पर्व आयोजित है, जहां पर कि निरंतर लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु जाकर के पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो इस बार आप भी जाने का प्रयास कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस महाकुंभ का महत्व बतलाने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो महाकुंभ या अर्धकुंभ का जो पर्व होता है, वो ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर होता है। जब जब बृहस्पति वृष राशि में हो, सिंह राशि में हो, कुंभ राशि में हो, उसी समय इन पवित्र नदियों के तट पर महाकुंभ अर्धकुंभ का आयोजन होता है। तो इसके पीछे एक कहानी है, या ये बोल सकते हैं शास्त्रों का प्रमाण है, देवी देवताओं के बारे में आख्यान है। आइए मैं आपको उसके बारे में बतला रहा हूँ। कुंभ का अर्थ बहुत व्यापक है। साधारणतः कुंभ घट के लिए, एक मटके के लिए, कलश के लिए, पानी से भरे हुए पात्र के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु भारतीय संस्कृति में कुंभ शब्द मंगल सूचक है, शुभ संकेत का प्रतीक है। वह कुंभ स्वस्तिक चिन्हों, अक्षत, दूर्वा, नारियल, आम, पीपल के पत्तों से युक्त जल से भरा हुआ एक पौराणिक काल से अब तक मंगल कार्यों में इस कलश की पूजा के साथ साथ भूमि की सर्वत्र पूजा होती है। पृथ्वी का यह अमृत रस से भरा हुआ कलश महाकुंभ है। यहाँ जिस कुंभ से प्रयोजन है वह कुंभ पर्व है। इस परिप्रेक्ष्य में इस अमृत कुंभ का स्मरण किया जाता है जो सागर मंथन से प्राप्त हुआ, जिसके लिए वैदिक काल से देवासुर में संग्राम की घटना हुई। उस कुंभ ने भारतीय जीवन को सब प्रकार से प्रभावित किया। समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला जिसे कुंभ कहा गया। कहा जाता है कि भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करवाया और दुर्बल होते हुए देवताओं को अमृत पान करा करके उन्हें शक्ति प्रदान की थी। भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा है। अमृत निकालने के भी कई उद्देश्य थे, सभी एक गुण धर्म वाले नहीं हैं। तो जो उन विरोधी तत्वों की एकता, उसमें आपसी संतुलन बनाए रखने की बात है, अमृत को पी करके, अमृत विचारों को धारण कर उन विरोधों को समाप्त किया जा सकता है, इसी के लिए अमृत है। और ऐसा कर पाने के लिए ही कुंभ स्नान का महत्व बताया गया है। महाकुंभ पर्व का महत्व क्या है? यह महोत्सव जो युगों युगों से इस भारत भूमि पर मनाया जाता है, पुण्य भूमि पर मनाया जाए, इसका उद्देश्य यही है कि एकता हमारे जीवन का शाश्वत धर्म है। प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। संगम को ही प्रयाग कहे जाते हैं, और अभी तो इलाहाबाद स्टेशन को प्रयागराज स्टेशन का नामकरण किया गया है, जो बहुत स्वागत योग्य है। अब तीन महान तत्व जहाँ आपस में मिलते हो, वह स्थान ही तीर्थ है। इन तीन नदियों के मिलन से जो राजयोग बनाए, इसीलिए पवित्र तीर्थराज प्रयागराज कहा गया। तीर्थों का भी राजा जिसको प्रयागराज कहा गया। आप देखिए, न तो हरिद्वार को प्रयाग, तीर्थों का राजा प्रयागराज को ही कहा गया, और किसी भी पवित्र स्थल को या और किसी नदी के तट को इतनी महत्वता, इतना महत्व, या ये कह सकते हैं कि राजयोग का प्रमाण, राजयोग की संज्ञा नहीं दी गई है। महाकुंभ पर्व और उसके स्नान कब कब होने वाले हैं 2019 में, मैं आपको उसकी डेट्स बता रहा हूं। तो उनमें से
जो भी डेट आपको सुटेबल हो, एक बार कुंभ का स्नान करके अपने जीवन में एक बार कुंभ का स्नान करके पुण्य के अवश्य भागी बने। 2019 में अर्थ कुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है। शाही स्नान की तिथियां कब कब है, 2019 में पहला शाही स्नान या ये बोल सकते हैं पुण्य पर्व कब कब है, ये डेट्स आपको नोट कर लेनी चाहिए। सबसे पहले मकर संक्रांति को अर्थात 14 जनवरी और 15 जनवरी, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी की दोपहर से आ रही है, इसलिए अब 14 और 15 दोनों तारीखों को मकर संक्रांति पर्व पर पहला शाही स्नान होगा। उस दिन भी पवित्र पुण्य फल लेकर के स्नान कर सकते हैं, संगम तट पर जाकर के पूजा उपासना आराधना कर सकते हैं। अब दूसरा आएगा पौष की पूर्णिमा, 21 जनवरी सोमवार 2019 को, यह पर्व भी पुण्यफलप्रद है। उस दिन भी जाकर के पुण्य का लाभ कमाया जा सकता है, स्नान करके पूजा आराधना करके आप लाभ कमा सकते हैं। फिर तीसरा आएगा मौनी अवस्या, इस दिन द्वितीय शाही स्नान होगा संगम तट पर तीर्थों के राजा प्रयागराज, उसमें डेट है दिनांक है 4 फरवरी 2019। उसके बाद में तीसरा शाही स्नान आएगा, वो आएगा वसंत पंचमी को अर्थात 10 फरवरी 2019 को, भी महापर्व है पुण्य पर्व है। इस दिन भी जाकर के आप अर्ध कुंभ का लाभ ले सकते हैं, पुण्य स्थान पर पवित्र स्थान पर पूजा कर्म दान धर्म जो भी निभाना चाहते हैं वो आप अवश्य करें, क्योंकि हमारा धर्म हिंदू धर्म और उसमें महाकुंभ अर्ध कुंभ की बहुत ही महत्व है। प्राचीन काल से हमारे पूर्वज तक इस पुण्य का लाभ लेने के लिए लालयित रहते थे और कई तो ये बोलते थे कि जीवन में एक बार कुंभ का स्नान कर लें तो इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष के भागी बन जाएंगे। अब आता है महाशिवरात्रि, 4 मार्च 2019 सोमवार को विशेष पर्व है और यहाँ पर अर्ध कुंभ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा 2019 में। जो समय काल आपके लिए बचा हुआ है उसमें आप अर्ध कुंभ का महत्व जो मैंने आपको बतलाया है ये समझ करके इस बार अवश्य इस अर्ध कुंभ का लाभ लें, संगम के तट पर प्रयागराज में जाकर के पुण्य के भागी बने और अपनी इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस एकता को बचाने के लिए जरूर प्रयास करें और यह महत्व यह मातम्य दूसरों को भी बताने का प्रयास करें। आपका यह प्रयास आपको तो पुण्य का भागी बनाएगा ही बनाएगा, हमको भी संबल प्रदान करेगा, हमारे भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि हमारे इस छोटे से कर्म से, सिर्फ तुच्छ कर्म से आपको इतनी प्रेरणा मिली। अब मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ कि जो महाकुंभ का पर्व है, अर्ध कुंभ है, वह विशेष परिस्थितियों में जब ग्रहों की विशेष परिस्थितियां होती है, बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा जब विशेष स्थिति में आते हैं तभी महाकुंभ का निर्धारण होता है। समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला उसे पाने के लिए देवता और असुरों के मध्य भारी संग्राम छिड़ गया, भारी युद्ध छिड़ गया, क्योंकि देवता उस समय कमजोर थे और उनको शक्ति प्रदान करने के लिए ही श्री विष्णु जी ने समुद्र मंथन का कार्य करवाया। सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की देखरेख में उस अमृत कलश को छोड़ दिया गया अर्थात उनके संरक्षण में रखा गया। ये तीनों देवता असुरों से उसे छिपा करके रखते हुए जा रहे थे। जिन जिन स्थानों पर उन्होंने विश्राम किया पृथ्वी के उन उन भागों में महाकुंभ होता है। जिन जिन राशियों में सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति चल रहे थे उस हिसाब से पृथ्वी के जिन भागों में उनकी विशेष दृष्टि थी वही महाकुंभ का योग माना गया। अब देखिए बृहस्पति जब कुंभ राशि में होगा, सूर्य मेष राशि में होगा, चंद्रमा भी मेष राशि में होगा, उस समय गंगा नदी के तट पर हरिद्वार स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। आपने उपयोगिता देखी बृहस्पति की, सूर्य की, चंद्रमा की। अब वृषभ राशि में जब भी बृहस्पति होगा, मकर राशि में सूर्य होगा, मकर राशि में ही चंद्रमा होगा, तब संगम के तट पर प्रयागराज में महाकुंभ या अर्ध कुंभ का आयोजन होगा जो कि इस वर्ष 2019 में हो रहा है, होने जा रहा है। बृहस्पति जब सिंह राशि में होगा उसे सिंहस्थ कहा जाता है, सिंह राशि में बृहस्पति, सिंह राशि में ही सूर्य, उस समय गोदावरी नदी के तट पर नासिक अर्थात त्र्यंबकेश्वर में महाकुंभ का आयोजन होता है। सिंह राशि में ही बृहस्पति हो, सूर्य मेष राशि में हो,
और चंद्रमा तुला राशि में हो उस समय शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन महाकाल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो आपने देखा कि हमारे जो पर्व है, जो विशेष पर्व है, पुण्य के पर्व हैं, उनमें भी ज्योतिष का योगदान है, उसमें भी ज्योतिष की गणना होती है। बिना पंचांग के, बिना ग्रहों की गणना के तो हम कोई मुहूर्त निकालने का काम या महापर्व बनाने का काम, चाहे होली हो, दीपावली हो, सभी में ज्योतिष का योगदान हमेशा रहा है और रहेगा। मेरे इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस बार सिर्फ इतना है कि आप इस महत्वपूर्ण पर्व महाकुंभ, अर्थकुंभ को अपनी संतान को भी समझाएं और संतान को भी ले जाएं। इतना पवित्र त्यौहार, इतना पवित्र आयोजन, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु एक साथ में इकट्ठे होकर के पर्व मना रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं, तो आप भी यह पर्व जरूर मनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। ईश्वर आपको सदा आशीर्वाद प्रदान करें, सदा सुखी रखें। नमस्कार।